हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्टिनस एक्टिविटी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं देसी स्टाइल मटन बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही क्विक, सिंपल और इजी मेथड से बन जाती है। और इसी मटन करी को बंगाल में कौशा मांगशो के नाम से भी बहुत फेमस जाना जाता है। तो चलिए, कौशा मांगशो घर पर कितना ईजी तरीके से बनाया जाता है, ये आज मैं शेयर करने वाली हूँ, देसी स्टाइल कौशा मांगशो। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले देखिए, मैं एक पैन पे 1 टीस्पून गोटा धनिया और 1 टीस्पून गोटा ज़ीरा ले चुकी हूँ। बस इसे अच्छा से ड्राई रोस्ट करके, क्रश करके साइड पे रखना है। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई पे 2 से 3 टीस्पून ऑयल ली, ज़्यादा ऑयल नहीं लूँगी, बस 2-3 टीस्पून या 2 टेबल स्पून सोचिए ऑयल लेकर। उसमें मैं 2 बड़ा साइज़ का अनियन ढाली हूँ। अब इसे अच्छा से कुछ देर फ्राई करना है। ये अनियन को पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट तक करना है और थोड़ा थोड़ा कलर आ जाए उतना ही हम लोग फ्राई करेंगे इसे। ज़्यादा फ्राई करने से फिर मटन के संग भी कुक करना पड़ेगा, देन वही तुतकुटापन आ जाती है उसमें। देखिए इसी तरीके से फ्राई करना है। और यहाँ पर मैं मटन वॉश करके रखी थी, यहाँ पर 700 ग्राम्स मटन है। मैं मट फैट्स के साथ मटन ली हूँ, इसीलिए मैं करी में ऑयल बहुत ही कम यूज़ की। तो आप लोग अगर मटन फैट्स अवॉइड करना चाहते हो कर सकते हो, तो उस सिचुएशन में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड करना। अब इसे अच्छा से कुछ देर फ्राई करना फ्रेंड्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स तो ये अनियन के संग इसे फ्राई करना ही है। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करते रहिएगा। आप जितना फ्राई कीजिएगा फ्लेवर उतना इन्हांस होता है। अब मैं थोड़ा सा सॉल्ट दे रही हूँ, 1/2 टीस्पून के बराबर सॉल्ट। आप लोग अपने अंदाजन से दीजिएगा, एज़ पर योर टेस्ट। सबका अलग अलग टेस्ट बड होता है सॉल्ट और चिल्ली के हिसाब से, तो दैट्स योर प्रेफरेंस। अब मैं इसमें भर के 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट दी। जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा ज़्यादा करके दीजिएगा, तो मैं एकदम ओवर लोडेड दी। अंदाजन से देखिए तो 1.5 टेबल स्पून हो जाएगा। अब इसके साथ भी मुझे कुछ देर फ्राई करना है। आप अगर अच्छा से नोटिस कीजिएगा, मैं एक एक इंग्रेडिएंट्स दे रही हूँ और इसे अच्छा से फ्राई कर रही हूँ। इसे काफ़ी टाइम फ्राई करेंगे। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स देते हैं, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। अब फिर से फ्राई, मैं वही आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि एक एक इंग्रेडिएंट्स दीजिए, कुछ वक्त लेकर अच्छा से फ्राई करते रहिए, तभी ये देसी स्टाइल मटन करी में फ्लेवर आएगी। अब मैं वो रोस्टेड ज़ीरा और धनिया का क्रश किया हुआ मसाला स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जो मैं क्रश करके रखी थी भुनी हुई ज़ीरा और धनिया। अब इसे भी कुछ वक्त लेकर मैं मीडियम फ्लेम पर अच्छा से फ्राई करूँगी। देखिए अभी ऑयल तो विजिबल है नहीं, क्यों, ये कुक होने के बाद मटन फैट्स जो है वो अपना ऑयल खुद ही छोड़ता है, इसीलिए मैं अभी ऑयल बहुत ही कम दी। देखिए अच्छा से कुछ देर फ्राई करने के बाद ये कलर कितना चेंज हो चुका है। नॉनवेज को बहुत वक्त लेकर कुक करना पड़ता है, जो मैं सीखी हूँ। अब इसे प्रेशर कुक करेंगे। देखिए मैं कुकर पे डाल दी, कम से कम इसे 5-6 विसल दूँगी मैं। आप लोग अपने हिसाब से, जितना टेंडर आप लोगों को पसंद है आप लोग उसी हिसाब से पानी ऐड करके कुक करना। मैं 5 से 6 सीटी ही लगाऊंगी, तो मेरे अंदाजन से मटन कुक हो जाना चाहिए 5 से 6 सीटी तक। तो चलिए इसे प्रेशर कुक कर लेते हैं। देखिए 5 से 6 विसल में लगा दी और मटन एकदम कुक हो चुका है, बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसे कुछ देर फ्राई करूंगी अच्छे से। देखिए ऑयल कितना विजिबल हो गया ना। और यहाँ पे मैं हरी मिर्च दे रही हूँ, इससे एक फ्लेवर भी आती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाना और डू ट्राई वंस। देखिए मटन पूरा कुक हो चुका है, पूरा बोन्स छोड़ दे रहा है। अब मैं इसमें एकदम ही लास्ट एक इंग्रेडिएंट्स जो बचा हुआ है वही ऐड करूँगी, गरम मसाला का पाउडर। ये बहुत ही मस्ट है, मटन में फ्लेवर बहुत ही अच्छा देता है। तो हमारा देसी स्टाइल सिंपल एंड क्विक मटन करी इज़ रेडी। कैसे लगी फ्रेंड्स? अच्छी लगी ना? आप लोग भी इसी तरीके से बनाना।
चावल रोटी पुलाव पराठा पूरी सभी के संग खा सकते हो। ये ऐसे ही करिए, आप बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली लाजवाब स्वादिष्ट मटन करी। तो बताइएगा आज की रेसिपी कैसे लगी। हम लोग इसे बंगाल में कौशा मांसू बोलते हैं, आप लोग कुछ भी नाम दे दो, मटन तो मटन ही होता है। देखिए टेम्पटिंग मटन करी या फिर कौशा मांसू बनके एकदम तैयार है। तो आज की रेसिपी कैसे लगी बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करो फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दिन एक नए वीडियो के संग। तब तक आप लोग भी सावधानी से रहो, एंजॉय करो, टेक केयर, टाटा।